आपका अपना चैनल इलेक्ट्रिकल सुपर ट्री में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मिक्सी किस तरह से रिपेयर करनी है और मिक्सी रिपेयर करते हुए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि हमें जब मिक्सी ख़राब हो जाए तो किस तरीके से हम क्या क्या चीज़ हमें पहले चेक करना चाहिए, उसके बाद में हमें देखना है कि हमारी मिक्सी में क्या ख़राब हो रखा है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए दोस्तों, और हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। तो दोस्तों अब इसको हम खोलेंगे, खोलने के बाद में दोस्तों हम आपको चेक करके दिखाएंगे हमारी मिक्सी में क्या ख़राब हो रखा है, चेक करके भी दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमने इसको लगाकर देखना है, चेक करना है कि इसमें क्या हो रखा है। दोस्तों सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, थर्मोस्टेट चेक कर देखते हैं। इस तरीके से दोस्तों सॉर्ट करेंगे तो हमारी मिक्सी चल जाएगी अगर हमारा थर्मोस्टेट ख़राब होगा तो। इस तरीके से दोस्तों थर्मोस्टेट तो हमारा सही है और मिक्सी हमारी अभी भी नहीं चली है। फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये था। अब दोस्तों सेकंड स्टेप जो है हमारा, उसमें दोस्तों हम ये कार्बन चेक करके देख लेना है कि कार्बन तो कहीं हमारी मिक्सी है ख़राब नहीं हो रहे हैं। तो कार्बन को हम चेक करेंगे दोस्तों, ये कार्बन इसके निकाल कर देखते हैं। दोस्तों ये वाला तो देखिए बिल्कुल ही घिस रखा है। अब देखिए दोस्तों हम दूसरा भी चेक करके देखते हैं कि हमारा कार्बन सही है या ख़राब है। तो देखिए दोस्तों अब दूसरा भी हम निकाल कर चेक कर लेते हैं। ये दोस्तों हमने दूसरा कार्बन भी निकाल लिया है। दोस्तों ये तो कार्बन एक सही है और एक ख़राब है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि कार्बन लगाकर अपनी मिक्सी को चेक करेंगे, कार्बन भी हम चेंज कर आपको दिखाएंगे किस तरह से हमें कार्बन को चेंज करना है। तो वीडियो पर दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों अब ये कार्बन इसमें लगा के देख रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं, इससे आप घबराए नहीं कि हमारे कार्बन इसके अंदर नहीं आ रहे हैं, थोड़े बड़े हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना है, या तो हम उसको रेत की मदद से भी घिस सकते हैं या हम फरस पर भी उसको घिस सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा बारीक करने के बाद में दोस्तों उसको हम इसके अंदर लगा कर दिखाएंगे आपको। अब दोस्तों इसको हम लगा कर देखते हैं, इस तरीके से देखिएगा, हमने इसको लगा देना है और अच्छे से देखना है कि हमारा जो कार्बन लगाया हमने आर्मेचर से टच हो रहा है या नहीं। और फिर इस तरीके से दोस्तों इसको हम दबाकर तो फिर इसको हम लॉक कर देंगे जिससे हमारा कार्बन बाहर मत आए। तो इस तरीके से दोस्तों हमें इसको लॉक कर देना है ऐसे करके। अब इसको दोस्तों हमने लॉक कर दिया है। अब इसी तरीके से देखिए दोस्तों हम दूसरा वाला कार्बन भी चेक करके दिखाएंगे आपको कि क्या हो रखा है। अब दूसरा कार्बन दोस्तों हमें चेक करते हैं, इसको भी घस के ही लगाना पड़ेगा क्योंकि थोड़े कार्बन ये मोटे भी आते हैं, किसी के नहीं आता है सैंपल। तो फिर इसको थोड़ा घिस कर लगा लेना है और कटिंग करके इस तरीके से दोस्तों हमें इसके अंदर लगा लेना है। देखिए इस तरीके से हम दोस्तों, अब दोस्तों इसको भी हमने इसी तरीके से लगा लेना है अच्छे से, इसको सेट बैठा कर दोस्तों हमें इसको भी लगा देना है इस तरीके से। अगर देखिएगा ये हमने दोस्तों इस तरीके से कार्बन को लगा दिया है दोस्तों। अब इसको हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे इस तरीके से, देखिएगा इसको भी हमने लॉक कर दिया है। अब दोस्तों इसको हम चलाकर चेक करेंगे, देखिएगा हमने चेक करके दिया है तो ये हमारी मिक्सी बिल्कुल दोस्तों ओके हो चुकी है। तो दोस्तों मैंने आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और हमारा हौसला भी बढ़ाते रहिएगा। तो किस तरह की आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताइए। हर प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलेगी, दोस्तों सपोर्ट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।